कलर्स का मोस्ट पॉपुलर शो नागिन 4 हो चुका है बंद या फिर रश्मि देसाई को निकाल दिया गया है नागिन 4 से, आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिग बॉस सीजन 13 की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट रश्मि देसाई के बारे में, तो रश्मि देसाई इन दिनों कलर्स के शो नागिन 4 में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। फिर क्या था, लॉकडाउन आ गया जिसके चलते सारी शूटिंग्स जो है सब कुछ बंद हो गई हैं। और अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ कि अब कलर्स का नया शो जो आया था नागिन 4 वो भी बंद हो गया है। जी हाँ, अब नागिन 5 आने वाला है जिसमें एकता कपूर ने डिसाइड किया है कि वो किसी छोटे सेलिब्रिटी को ही कास्ट करेंगी और बहुत ही कम बजट में नागिन 5 की शूटिंग होगी। क्योंकि अगर हम बात करें नागिन के सीजन्स की, तो नागिन का सीजन 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 उठा लो, सारे ही बहुत ही बड़े बजट में शूट किया गया था, जिसके चलते एकता कपूर को भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। लेकिन अब नागिन 4 में कुछ ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ गया था एकता कपूर को, जिसके बाद अब एकता कपूर ने डिसाइड किया है कि नागिन 4 जो है जहाँ तक थी वहीं स्टोरी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब नागिन 5 की शूटिंग लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होगी। लेकिन निया शर्मा, रश्मि देसाई, विजेंद्र कुमारिया इनमें से कोई भी नागिन 5 का हिस्सा नहीं होंगे। पूरे फ्रेश कास्ट जो है नागिन 5 में आपको दिखाई देगी और सारे नए स्टार्स को आपको देखने को मिलेगा नागिन 5 में। लेकिन कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं वो अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है कि नागिन 5 में टेलीविजन के कौन से सेलिब्रिटीज नज़र आ सकते हैं। अगर हम बात करें नागिन 1 की, तो नागिन 1 में हमने अर्जुन बिजनाली और मौनी रॉय को देखा था। फिर उसके बाद हमने करणवीर बोरा और सुरभि का जोड़ी भी देखा था। लेकिन अब हमने नागिन 4 में निया शर्मा और विजेंद्र कुमारिया की जोड़ी देखी थी, लेकिन इनके ट्विस्ट में गई थी शकाला, यानी कि रश्मि देसाई। नागिन सीजन 4 काफी ज्यादा सुपर हिट साबित हुआ था, लेकिन लॉकडाउन ने एकता कपूर के अरमानों पे फेर दिया था पानी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नागिन सीजन 4 आपका कितना ज्यादा फेवरेट था और नागिन 4 में से कौन सा किरदार, यानी कि कौन सी सेलिब्रिटी नागिन 4 में आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से कर दीजिए, ताकि बॉलीवुड की सारी पड़ी गॉसिप्स मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहे। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।